Hi, I'm Dr. Adukta. I'm a board certified plastic surgeon working in Delhi with me and my team. आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत फीमेल्स सोचती हैं, इंक्वायर करती हैं हमसे, स्पेशली दो फीमेल्स जिनका ब्रेस्ट का साइज बहुत बड़ा होता है और वो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी चाह रही हो. टॉपिक है, कैन आई गेट ब्रेस्ट लाइपोसक्शन डन इंस्टेड ऑफ फुल ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी. फीमेल्स पूछती हैं कि क्या डॉक्टर साहब हम ब्रेस्ट लाइपोसक्शन करा लें ब्रेस्ट का साइज रिड्यूस करने के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी पूरी कराने के बजाय. ब्रेस्ट लाइपोसक्शन कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस केसेस में करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, और ब्रेस्ट लाइपोसक्शन ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में क्या अंतर होता है, ये समझने के लिए ये पूरा वीडियो देखिएगा. मैं आपको पूरी जर्नी के थ्रू लेके जाऊंगा कि ब्रेस्ट रिडक्शन, ब्रेस्ट का साइज रिड्यूस करना, शेप इंप्रूव करना किस तरह से किया जाता है और दोनों प्रोसीजर्स के बीच में क्या फर्क होता है. ब्रेस्ट लाइपोसक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम उस बॉडी पार्ट का, ब्रेस्ट पार्ट का साइज कम करते हैं बाय मींस ऑफ लाइपोसक्शन. लाइपोसक्शन जैसे आप जानते ही हैं, उसमें छोटा सा होल होता है 3 से 4 मिलीमीटर का, कुछ फ्लूइड डालते हैं जो फैट को मेल्ट करते हैं, फैट को सप अप कर देते हैं. सो ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर होता है आप कोई भी बॉडी पार्ट को कंट्रोल करने का. लेकिन ब्रेस्ट में इसके कुछ इश्यूज होते हैं. अब आप समझिए, जिसका साइज ऑफ ब्रेस्ट बड़ा है, वो सिर्फ साइज ही नहीं बड़ा है, उसका ब्रेस्ट सैगी भी हो चुका है, वो सैग कर चुका है, लटक चुका है. निप्पल और एरियोला का जो डायरेक्शन है वो साउथ की तरफ चले जाता है. अब ऐसे केसेस में अगर हम सिर्फ फैट निकाल दें और ब्रेस्ट की शेप ठीक ना करें तो वो स्किन और सैग कर जाएगी और शेप ऑफ द ब्रेस्ट कभी अच्छी नहीं लगेगी. सो ब्रेस्ट लाइपोसक्शन टू रिड्यूस द साइज ऑफ ब्रेस्ट इज नॉट अ गुड आइडिया. व्हाई? बिकॉज द शेप ऑफ द ब्रेस्ट गेट्स डिफॉर्म्ड एंड द ब्रेस्ट सैग्स फर्दर. चाहे आप स्किन टाइटनिंग वाले टूल्स, बेजर, बॉडी टाइट किसी से भी करें, वो सैग कर ही जाएगी, स्पेशली अगर आप एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फैट निकालते हैं बाय लाइपोसक्शन. हाँ, लाइपोसक्शन ऑफ ब्रेस्ट एरिया बहुत अच्छा टेक्निक है अगर आप साइड ऑफ द चेस्ट जो एक साइड बूब्स होते हैं वो निकल रहे हैं, किसी का एक्सिलरी ब्रेस्ट है, अमाउंट ऑफ फैट उसको ज्यादा है और एक बल्ज बनता है एक्सिला में, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है और उसमें किया जा सकता है और उसमें स्किन श्रिंक भी हो जाती है. लेकिन अगर आप ब्रेस्ट की बात करें तो ब्रेस्ट में लाइपोसक्शन करने के बाद शेप आपकी बिगड़ जाएगी और शेप खराब हो जाएगी, ब्रेस्ट और सेट कर जाएगी. अगर ऐसे केसेस को ठीक करना है तो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी ही करना पड़ता है. और ब्रेस्ट की सर्जरी में, रिडक्शन सर्जरी में ब्रेस्ट की शेप ठीक की जाती है, ब्रेस्ट को लिफ्ट अप भी किया जाता है, उसका साइज रिड्यूस किया जाता है और बहुत ही सुंदर शेप बनाई जाती है. आप हमारे कुछ रिजल्ट्स देख भी सकते हैं. अब लोग लेकिन ब्रेस्ट लाइपोसक्शन चाहते क्यों है? उनके दो कारण होते हैं. पहला कारण होता है कि जी मैं स्कार नहीं चाहती, मैं ब्रेस्ट के ऊपर ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी पे जो स्कार आता है, चाहे इन्वर्टेड जी, इन्वर्टेड टी या लॉलीपॉप स्कार, जो शॉर्ट स्कार टेक्निक जो मैं करता हूं, वो भी स्कार नहीं चाहती, तो इसलिए आप ब्रेस्ट लाइपोसक्शन कर दीजिए. मैं समझता हूं कि किसी भी फीमेल के लिए ब्रेस्ट के ऊपर स्कार एक थोड़ा सा बड़ा चीज हो जाता है, डिसीजन हो जाता है. बट आप देखेंगे अगर तरीके से सर्जरी किया जाए, इंसान हमारे एडवांस स्कार प्रोटोकॉल्स हैं, ऑइंटमेंट्स बताते हैं, लेजर बताते हैं, उस तरह फॉलो करते हैं, तो स्कार बहुत ही मिनिमल होता है. आप समझिए, एनी स्कार विल फेड विद टाइम, हर स्कार समय के साथ फेड हो जाएगा, बट अ सैगिंग हैवी ब्रेस्ट विल नॉट रिड्यूस और लिफ्ट विद टाइम. सो यू नीड टू चूज कि आपको क्या चाहिए. लाइपोसक्शन से वॉल्यूम तो चाहे कम हो जाएगा बट शेप अच्छी नहीं होगी, साइजिंग हो जाएगा. अगर आपको शेप भी अच्छा चाहिए, साइज भी रिड्यूस चाहिए, तो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी ही कराना पड़ेगा और स्कार्स इंप्रूव हो जाते हैं. दूसरा, एक लोगों के दिमाग में धारणा होती है कि जी ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी से अगर मैं अनमैरिड हूं तो बाद में मेरे को क्या ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं, अगर आपने एक ऐसा टेक्निक चूज किया जिसमें एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा निप्पल एरियोला से कनेक्टेड रहेगा, सो आपको आगे जिंदगी में ब्रेस्ट फीडिंग में, प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी. सो इस रीजन की वजह से लाइपोसक्शन की तरफ मान जाए. इवन ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोटेक्शन सर्जरी अगर अच्छे से की जाए, सेम टेक्निक चूज की जाए, तो यू कैन ब्रेस्ट फीड एंड हैव लैक्टेशन पोटेंशियल.
दोनों रीजंस जो हैं वो दोनों रीजंस में मैं नहीं समझता कि वैलिड है कि ब्रेस्ट लाइपोसक्शन टू रिड्यूस द साइज ऑफ ब्रेस्ट करनी चाहिए। हाँ, अगर आपका साइड ऑफ द चेस्ट में बल्ज है, एजिला में बल्ज है, तो उन केसेस में हम भी लाइपोसक्शन करते हैं, ब्रेस्ट फ्लेक्सर सर्जरी के साथ भी करते हैं ताकि शेप अच्छी आए। सो ये वीडियो से मेरा समझाने का तरीका था आपको कि क्लियर कर पाऊं लोगों के मिथ्स और डाउट्स, क्लियर कर पाऊं कि ब्रेस्ट लाइपोसक्शन कराएं या ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कराएं। अगर इस टॉपिक पे, इस विषय पे कोई भी और सवाल है आप हमसे लिख सकते हैं। मी एंड माय टीम विल ऑलवेज बी देयर टू गाइड यू, एजुकेट यू साइंटिफिकली। थैंक यू।